मुझे पता है अब तुम जलने वाले हो, तुम्हारी बहुत ज्यादा जल रही है ट्रेलर को देख के कि भाई मूवी में दम है और मुझे पता है तुम देखने वाले हो। वेलकम बैक अगेन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक त्यागी, राम साथ देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली डोज रिएक्शन। इंटरव्यू देने का टाइम नहीं है क्योंकि भाई आपका काफी ज्यादा एक्साइटेड है, मेरे भाई जो है सभी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि गाइस जितेंद्र मदरानी सर की चंगेज मूवी, एक बंगाली जो मूवी है, फर्स्ट टाइम जो है हिंदी बंगाली लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, तो उसका गाइस जो है ट्रेलर जो है रिलीज हो चुका है और आपका भाई अभी बंगाली जो है ट्रेलर पर रिएक्शन किया है जो काफी खतरनाक है। बवाल मचा दिया ट्रेलर ने भाई, 1% था टीजर, ये 99% जो है ना पूरी 100% कमी की है पूरी ट्रेलर ने गाइस। तो भाई बंगाली लैंग्वेज में रिएक्शन किया, अब और अच्छे से समझते हैं गाइस कि और अच्छे से हिंदी लैंग्वेज में क्या क्या डायलॉग जो है समझ में आते हैं। भाई डायलॉग काफ़ी अच्छे हैं, डायरेक्ट जो है राजेश गांगुली के डायलॉग्स वगैरह हैं इसमें। तो गाइस करता हूँ, जीत फिल्म वर्क से वीडियो लिया है, उधर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक्साइटेड आपका भाई, एक्साइटेड, लेट्स आर द वीडियो, लेट्स प्ले। चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें जरूर। ये सीन था खतरनाक। साल 1970 में उमर उर्फ नल्ली भाई सेंट्रल कलकत्ता का किंग था। ईस्ट कलकत्ता का किंग था मानिक सन्याल उर्फ थुटो जोगा और डॉक्स का किंग मुगल अब्बास उर्फ मिर्ची भाई। पर उनमें से किसी ने भी इतिहास नहीं रचा, ना ही इतिहास को बदला। इतिहास रहा चंगेज ने। जयदेव सिंह उर्फ चंगेज। The question is, How did Jaydev become Genghis? Jaydev Genghis कैसे बना? थे? मामा पुलिस है, ये भी पुलिस बनेगा। अश्वमेध का घोड़ा बन गया पुलिस दौड़ता है, तो मेरा वही अश्वमेध का घोड़ा है। क्या डायलॉग है यार। कैसे हो मामा? इस तरफ बंगाल से यूपी और दूसरी तरफ बांग्लादेश, ये है चेंगेज का एम्पायर। गोल्डन ट्रायंगल से हीरोइन डायरेक्टली हमारे यहाँ आती है थ्रू जयदेव उर्फ चेंगेज। एक सीजन का 5 लाख, एक मैच खेलकर 5 लाख रुपए कमाएगा, जो चाहिए मिलेगा, प्रमोशन, पोस्टिंग, आप और आपका वो डिपार्टमेंट चेंगेज का उखाड़ भी नहीं सकता। पुलिस को या डिटेक्टिव? बिजनेसमैन। किसके? ड्रग्स। मैं तुमसे झूठ भी बोल सकता था, पर जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उसे झूठ बोलकर शुरुआत नहीं करना चाहता था। ओ, क्लियर बोला है भाई। You have failed, Gotham. खुद को भगवान समझने लगा है। मौसम बदलते वक्त नहीं लगता। कलकत्ता शहर की ठंड, गर्मी, बरसात सब हमारे इशारों पर होती है। डीसीडी साहब, आपके सामने जो खड़ा है वो जयदेव है, भूल कर भी मुझे चंगेज बनने पर मजबूर मत कीजिए। बचपन में मैंने अपने परिवार को खोया है इस पहानी, इसलिए परिवार के ना होने का दर्द समझता हूँ। वैसे ही चलेगा। ये है कोलकाता जो है ना, चंगेज का कोलकाता। भाई साहब क्या एक्शन सीन डाले हैं इसमें, क्या डायलॉग डाले हैं। राजेश गांगुली सर, लाभ देता हूँ आपको। Guys. आज जो देखा वो बस ट्रेलर था। खेल तो अभी भी बाकी है। क्या समझे? क्या समझे? ओके गाइस, यार ट्रेलर हो गया एंड। यार हिंदी लैंग्वेज में ट्रेलर देखा मैंने, इतना मुझे बंगाली लैंग्वेज में इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन भाई जैसा कि मैंने कुछ देखा स्टोरी समझ रहा था जिस तरह से बता रहे थे उसमें सबटाइटल आ रहा था, तो गाइस उसमें मैंने देखा कि जितेंद्र मदरानी सर जो है बचपन से स्टार्ट करते हैं, मतलब उनकी फैमिली वगैरह जो है बचपन में ही उनके मारे जाते हैं, कुछ वो हादसा होता होगा, जो भी होता होगा, या मारते होंगे, तो उसके बाद जो है वो जर्नी स्टार्ट करते हैं। उनको कहते हैं कि पुलिस बनेगा, लेकिन भाई चंगेज जो है जितेंद्र मदरानी सर बन जाते हैं एक ट्रू गैंगस्टर, जो इसमें हमने देखा है। और कोलकाता में जो है राज करते हैं और उसके साथ यूपी से कोलकाता का सब इसमें दिखाया है कि किस तरह से गैंगस्टर उसका जो है जर्नी वो चल रही थी, उसमें किस तरह से वो ड्रग्स वगैरह लाते थे, ट्रायंगल वगैरह से उसमें दिखाया था कि वहाँ से ट्रायंगल से होते हुए जो है कोलकाता आएगा ड्रग्स वगैरह। और उन्होंने जो बिजनेस उनसे पूछा था, उनकी जो गर्लफ्रेंड जो इसमें जो फीमेल एक्टर हैं जिनका नाम सुष्मिता आई थिंक,
सुष्मिता, तो वो उनसे पूछती है कि तुम करते क्या, तो क्लियर बताते हैं मेरा बिजनेस है और बिजनेस है ड्रग्स का। तो भाई क्लियर फट जो भी है ना, उन्होंने झूठ नहीं बोला, क्लियर बोला। लेकिन गाइस इसमें जो है ना स्टोरी काफ़ी ख़तरनाक है और भाई मज़ा आने वाला है इस मूवी को देख के। भाई ट्रेलर ने बवाल मचा दिया, ट्रेलर ने कसम से बवाल मचा दिया। इतना मैं जैसा कि मैंने अभी लास्ट बेंगोली रिएक्शन किया था जब मैंने बोला था कि भाई ट्रेलर जो है ना टीज़र का पाप है, टीज़र में जो है जो मज़ा आया था ना हमें, उससे ज़्यादा मज़ा जो है 99% मज़ा जो है वो ट्रेलर को देख के आया है। तो भाई जो अभी भाई बोल रहे थे ना जो भी कि क्या नाम है चंगेज मूवी, कुछ मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़े हैं कि चंगेज मूवी ऐसी है ये रीमेक इस तरह का कुछ बोल रहे थे, भाई भाई मूवी देख के पता चलेगा तुम्हारा। अभी ट्रेलर देखा है ना तुमने, ट्रेलर देख के बताओ कि कैसा है, क्योंकि मुझे पता है अब तुम जलने वाले हो, तुम्हारी बहुत ज़्यादा जल रही है ट्रेलर को देख के कि भाई मूवी में दम है और मुझे पता है तुम देखने वाले हो। तो गाइस ट्रेलर को लेके क्या राय है आपकी, आपका अपने कमेंट सेक्शन बताना। आपका भाई जो है इसके बाद एक और वीडियो लाएगा, अपना रिव्यू होगा जो भी मेरा, अभी बस जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि हमारे भाई ने बोला था कि बस जल्दी से जल्दी बस वीडियो चाहिए। तो गाइस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगी, और उसके बाद यार लाइव भी आना है मुझे, देखता हूँ कितने व्यूज जाएंगे चंगेज मूवी के ट्रेलर पर लेके। तो गाइस वहाँ पर भी जाइए, धीरे धीरे अभी वीडियो आएगी। तो गाइस करता हूँ वीडियो को एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चंगेज मूवी को फुल सपोर्ट है मेरी साइड से और आप मेरी यूट्यूब फैमिली की साइड से। तो गाइस करता हूँ वीडियो को एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहे मेरे साथ, देखते हैं डेली डोज रिएक्शन। बाय बाय गाइस।